कहाँ थे सुबह से आप? वो गया था मैं दीनानाथ जी के यहाँ, बताया तो था तुमको। पूरा दिन वहीं बैठे रहे? वो बेचारे इतने दुखी हैं कि उठकर आने का दिल ही नहीं किया। राजेश से बात हुई उनकी? हाँ बात तो हुई, उसने कहा कि वो अभी नहीं आ सकता, उसके ऑफिस में ऑडिट चल रहा है। बेचारे, पता नहीं क्या होगा उनका। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मानसी का फोन आया था। अच्छा, मानसी का फोन? चलो उसे हमारी याद तो आई। क्या कह रही थी? वो मॉरिशस छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ आ रही है। जिस कंपनी में वो काम कर रही थी ना, उन्होंने यहाँ पर ब्रांच ऑफिस खोली है। ओह, यहाँ हमारे साथ रहेगी? हाँ, और नहीं तो कहाँ। ये घर तो उसे कैद खाना लगता है, यहाँ रहकर उसे इतनी आजादी कैसे मिलेगी? मानसी आजाद ख्याल की जरूर है, लेकिन उसने इस आजादी का कभी फायदा नहीं उठाया। मेरी दो बेटियां, दोनों एक दूसरे से अलग। उर्मिला शांत, सुशील सज्जन, और मानसी उतनी ही आजाद ख्यालों की और बदतमीज। एक शादी करके पराई होगी और दूसरी ने अपनी आजादी के लिए हमें पराया कर दिया। आपको तो मानसी में हमेशा बुराई दिखती है, पता नहीं क्यों। उसके रंग ढंग ही ऐसे हैं। ठीक है, जैसी भी है तो हमारी ही बेटी ना। अब वो आ रही है, देखिए हर बात में उसे मत टोकना, पता नहीं उसे देखकर आपको क्या हो जाता है। उसके रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लगते, देखना एक दिन जरूर हमारा नाम रोशन करे। बर्दाश्त किया है आपने, लेकिन दीदी अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। से डर लग रहा है क्या? अपनी छोटी बहन से आप डर रही हैं? दीदी आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं। दीदी ये फोटो देखिए, आप पहचानती हैं इन्हें? दीदी ये अनिरुद्ध भैया है, देखिए ना। पहचानिए कौन है ये, बताइए दीदी कौन है ये? लगता है कि कोई जाना पहचाना चेहरा है। इस फोटो को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? तस्वीर दिखाई तो देखिए क्या हो गया।
देखो, इसका मतलब इनको फोटो की पहचान हो गई है। तस्वीर देख के इनका रिएक्शन साबित करता है कि सबकॉन्शियस में जो बातें हैं वो सब इन्हें याद है। कोई बात नहीं, मैं इनको इंजेक्शन दे देती हूँ। अरे बदरिया, अरे बदरिया, अरे कहाँ मर जा रे? अरे आया सरकार, आया। पुतनिया कहाँ है रे? साहब वो पुराने बंगले पे साहब। अरे तू क्या कर रहा है? दरवाजे की घंटी नहीं सुनाई दे रही है? जरा खोल, मैडम यहाँ आई होगी। जी जी। आपको किससे मिलना है? किससे मिलना है? कहे कि जोर जबर रुकती है क्या? अरे कहाँ घुसे चले आ रहे आप? कहाँ चले आ रहे हैं आप? अरे खोला दरवाजा, निकले चौधरी। अरे हम तो सोचे हमारी मैडम यहाँ आई होगी। बंद कर अपनी बकवास, अब बता के भंडारी कहाँ है? आप अकेले आए हैं, पुलिस लेके नहीं है? सीधी तरह बता के भंडारी कहाँ है? तो जैसे को तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। अरे जब मैं बता चुका हूँ भंडारी साहब यहाँ नहीं है, तो आप काहे बार बार यहाँ चले आते हैं भाई? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भंडारी यही है। अरे आपको लगता है भंडारी साहब को बहुत सपना दिखाई दे रहा है का? अरे कुछ प्यार व्यार हो गया क्या आपका? चुप! ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। मैं जानता हूँ कि भंडारी डर कर यही छुपा हुआ है। अगर उसमें हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आता? अरे चौधरी साहब, इस शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अरे जब हम कह दिए कि भंडारी साहब यहाँ नहीं है, तो आप मानते काय नहीं है? चुप! मैं जानता हूँ कि भंडारी यही है। उस दिन तो तू पुलिस को चकमा दे गया था, लेकिन आज मुझे चकमा नहीं दे पाएगा, समझा? अरे भंडारी का बता के कहा जा? अरे हाथ तो टांग लिए हमको मंडली ने कहा। हाँ भैया, कोई टेंशन की बात नहीं है डॉक्टर, लगता है इनके दिमाग में डर बैठ गया है। इनके साथ जिस तरह के हालात गुजरे हैं, उन्हीं का असर दिमाग पे है। जब दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हो और आप कुछ न कर पाए, तो ये बेचारगी अंदर ही अंदर एक डर पैदा कर देती है। डॉक्टर, इन्हें तो मुझसे भी डर लगता है। इन्हें तो हर किसी से डर लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में ये सारी बातें चल रही है। इतने साल इन्होंने यूं ही बिता दिए, अपने ख्यालों में खोई रही, अपने गम में डूबी रही। मुझे किसी भी तरह से इन्हें इस हालत से निकालना है। आपको याद होगा, इनके पहले के हाव भाव, रिएक्शंस सारे मीनिंगलेस हुआ करते थे, लेकिन आज का इनका ये रिएक्शन हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन इनकी हालत में कब सुधार आएगा? मैं तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपने इतने दिनों सब्र रखा है, कुछ दिन और सही, क्योंकि कंडीशन में काफी सुधार होते जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर, हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भगवान ही इन्हें इस संकट से मुक्ति देंगे। आप ये तस्वीर इनके पास ही रहने दीजिए, हो सकता है अकेले में इसे देखकर इनमें और कोई चेंजेस आ जाए। ठीक। अरे आप गिरे हुए का गिरेबान काहे पकड़ते हैं भैया, छोड़िए। अरे मैं तो एक मामूली सा नौकर हूँ। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू भंडारी के लिए क्या क्या कर सकता है। चोर शोर मोसरा भाई, भंडारी को बाहर निकाल। अरे अरे चौधरी साहब, अरे जब हम बोल चुके हैं वो नहीं है, तो कहाँ जादू से पैदा कर दे। अरे झूठ क्यों बोलता है? अरे हम झूठ काहे बोलेंगे भैया, अरे हमने तो बरसों आपका नमक खाया है। अरे नमक हरामी तो तुझमें और भंडारी के खून में बसी है। मैंने पता लगाया है कि भंडारी अमेरिका में नहीं है। क्या भंडारी साहब अमेरिका में नहीं है? तो कहाँ चले गए यार, बताइए कहाँ चले गए? बंद करते रहे ना, और सीधी तरह बता के भंडारी कहाँ रुका हुआ है, वरना मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी रास्ता अपनाना हो अपनाइए। जब भंडारी साहब यहाँ नहीं है तो कैसे बता दे? अच्छा।
कहाँ पीछे चले जा रहे हैं? छोड़े अंदर हमारी मेहरानों में। अरे आप चलिए भाग लिए और काम कर रहे हैं चक्कू वाला। चलो सब बाहर, बाहर चलो सब, चलो चल चल बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर, बहुत हो। अरे अरे आप तो बहुत शरीफ बनते हैं, हाँ कहाँ घुसे चले जा रहे थे? अरे चौधरी साहब आपको लाज शर्म है या नहीं? अरे लाज शर्म तो तुम लोगों को नहीं है जो एक भोले और मासूम बच्चे की बुनियाद पर अपनी दुश्मनी निभाने चले गए। कब तक कैद करके रखोगे से? अरे हम काहे कैद करेंगे? अरे हम पुलिस हैं, जेलर हैं, आतंकवादी हैं, क्या है हम? लगता है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अरे हम समझ सकते हैं, अरे एक जवान बेटे का गम तो बड़े बड़ों को पागल बना देता है। एक बार मेरा बेटा मुझे मिल जाए ना, फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूं। हम इज्जतदार और शरीफ जरूर हैं, लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों को ठिकाने कैसे लगाना ये भी हमें आता है। बस बोल चुके जो आपको बोलना था, हा? हमने बुरा नहीं माना। अब आप जाइए, नमस्ते, प्रणाम, गुड बाय। जा रहा हूं लेकिन वापस आऊंगा तुझे और भंडारी को घसीट कर लेके जाने के लिए, याद रखना। बदरिया दरवाजा बंद कर दे। बदरिया इधर आ, जाके जूस बना हमारे लाए। जी सर। मदन तिवारी मदन तिवारी सब पे भारी और सर पे चढ़ा ले उसे, देख लिया नतीजा? अरे मेरी कोई सुने तब ना, मालूम नहीं क्या उस लड़की में है, उसको बिल्कुल एकदम। ये तुम अपने आप से क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ा नहीं रही हूँ, कसीदे पढ़ रही हूँ आपके बहू के नाम के। कुछ होश है आपको? क्यों, अब क्या हो गया? आपकी लाडली बहू कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, इस बात की कोई खबर है? कंपनी के कामकाज से उसका आना जाना लगा रहता है। क्या तुम पूरी रिपोर्ट मांगोगी उससे? मुझे नहीं चाहिए कोई रिपोर्ट, मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे आप घर में बिठा दीजिए, बहुत हो गया कंपनी का कामकाज। तुम्हें उसके कामकाज से कोई शिकायत है या कंपनी में मुनाफा कम हो गया? अरे मुनाफा नुकसान देखिए आप, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उर्मिला को इस घर की बहू के रूप में देखना चाहती हूँ, बहुत हो गई मटर गश्ती, बहुत घूम घाम लिया। अच्छा तो तुम उर्मिला को घर में बैठाना चाहती हो, पर्दे में रखना चाहती हो। मेरी समझ में नहीं आता सुमित्रा कि तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए सुमित्रा। अगर ये तुम्हारी इज्जत है तो मेरा फैसला भी सुन लो। उर्मिला कंपनी की देखभाल करती है और करती रहेगी। आज वो तुम्हें बुरी लग रही है, कल तक जब कंपनी को कोई चलाने वाला नहीं था और मैं बीमार था उस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था, आज क्यों? क्योंकि मुझे उसका घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अच्छा या बुरा लगने से हम किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। इस तरह अपनी सहूलियत देखकर किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब उर्मिला से यह कहना कि तुम घर बैठ जाओ ये उसका अपमान है और मैं अपनी बहू का अपमान नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, आप बाप बेटे घर में चूड़ियां पहन के बैठिए और करने दीजिए उस महारानी को शासन, एक दिन बहुत पछताएंगे। भंडारी साहब, अरे ये अनुज चौधरी तो बहुत जबरदस्ती कर रहा है, आज तो बिल्कुल ठान के आया था कि आपको ढूंढ निकालेगा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। अरे तो तुम उसके लिए दरवाजा ही क्यों खोलते हो? अरे हम कहाँ दरवाजा खोलते हैं, वो तो बदरिया ने दरवाजा खोला, वो घुसते चला आया। तिवारी हमें लगता है कि उसे ये शक हो गया कि हमने ऋषि को यही छुपा कर रखा है। अरे उसका शक यकीन में बदले इसके पहले आप ऋषि को लेके अमेरिका चले जाओ, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तिवारी, हम क्या इतने डरपोक हैं कि उससे डरकर भाग जाएं? अरे वो किसी दिन पुलिस लेकर आ गया ना तो फिर हम जमानत कराने नहीं आएंगे। हाँ क्या कहा? अरे काहे पंगा ले रहे हो, काहे पंगा ले रहे हो, आप लेके ऋषि को चले जाओ ना अमेरिका। अमेरिका? हाँ फिर सारा चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तिवारी अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम ऋषि को लेकर अमेरिका चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्यों? जब तक मुझे मेरी बहन जानकी का पता नहीं चल जाता
मैं ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जानकी बहन तो गई अब ऋषि भी हाथ से चला जाए। तिवारी बेतु की बातें मत किया करो। अरे हम हालात को देख के बोल रहे हैं, आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो हमने बोला है वो सोचिएगा जरूर। तुम ऋषि की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। और मैंने जो तुम्हें जानकी का पता लगाने को कहा था, क्या किया तुमने अभी तक? तुम सिर्फ बातें करते हो तिवारी। अरे नहीं नहीं, काम भी तो करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, जल्दी कोई सुराग ढूंढ निकालूंगा। ठीक है तिवारी, लेकिन जो करना है जल्दी करो। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बेड पे आराम करना चाहिए ना। निशांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और कितना आराम करूंगी मैं, बोर हो गई हूँ आराम करते करते। खाना खाया? नहीं खाया। चलो मैं चेंज करके आता हूँ, साथ में खाएंगे। निशांत एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। निशांत, कई दिनों से मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें लेकर मैं बहुत बहुत टेंस हो रही हूँ। निशांत, मैंने तुमसे हजार बार कहा कि ऐसी हालत में तुम बेकार की टेंशन मत लिया करो, इट इज नॉट गुड फॉर यू बेबी। लेकिन निशांत, सवाल तो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, और तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। कैसे सवाल? निशांत, मुझे तो तुम पर पूरा अधिकार नहीं मिला, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि तुम सिर्फ मेरे हो। लेकिन निशांत, मेरे होने वाले बच्चे को लेकर आई एम वेरी टेंस। क्या तुम मेरे होने वाले बच्चे, हमारे होने वाले बच्चे को अपना अधिकार, अपना पूरा प्यार दोगे? संजना, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे होने वाले बच्चे को उसका पूरा अधिकार मिलेगा। तुम ऐसी बेकार की बातें अपने दिमाग में क्यों पैदा करती हो? इसीलिए कि एक पत्नी बनकर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ बनकर नहीं।